गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेटल और नॉन मेटल में आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एक्टिविटी सीरीज़ और रिएक्टिविटी सीरीज़, कुछ भी बोल सकते हैं हम उसको, ऑफ मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो जो अभी तक हमने क्या देखा है कि मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर के साथ, उसके अलावा एसिड्स के साथ। तो इन इनके बेसिस पे हमने ये देखा कि कुछ मेटल हाईली रिएक्ट होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं और कुछ बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होते हैं। तो मेटल को हम अरेंज कर सकते हैं उनके रिलेटिव रिएक्टिविटी के बेसिस पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, उनको अरेंज कर दिया मेटल को एक वर्टिकल कॉलम के अंदर उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी डाउनवर्ड्स की तरफ, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज़ और रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल। ठीक है, तो रिलेटिव रिएक्टिविटी मेटल्स की हम है ना कंपेयर नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स के बेसिस पे। ठीक है, इसीलिए क्यों नहीं कर सकते हम, कि हो सकता है कि वो इनमें से रिएक्ट ना करें, और इसीलिए उनको डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर करना कि उनकी डिफरेंस क्या है वाइगर में। वाइगर का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, तो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स वो किस बेसिस पे हम कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो उनका बेसिक प्रिंसिपल है कि एक कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होगा और दूसरा जो है मेटल कम रिएक्टिव होगा, तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर उसके साथ कम रिएक्टिव होगा। तो अगर सपोज करो कि मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कंपेयर टू मेटल बी। ठीक है, तो मेटल ए डिस्प्लेस कर सकता है इजीली बी को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि मेटल ए लिया है और मेटल बी लिया है सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर है वो, तो यहाँ पे वो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बना लेता है, मतलब बी को डिस्प्लेस करके वहाँ पे ए आ जाता है और मेटल बी सेपरेट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेटल ए मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू बी, या फिर अगर सिंपल सी भाषा में कहूँ कि मैं जो हूँ आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और तो मैं आपको ईजिली धक्का मार के आगे जा सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मेटल के साथ है। तो अगर हम कुछ रिएक्शन देखते हैं, दिस इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज़, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं जैसे बात कर रही हूँ, मैंने बात की जिंक, हमने लिया जिंक प्लेट लिया या फिर जिंक पीस लिया, उसको डिप कर दिया मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जो कि बीकर में मैंने लिया था, तो ब्लू कलर जो था कॉपर सल्फेट का वो धीरे धीरे फेड होने लग गया, कम होने लग गया और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनने लग गए। इसका मतलब क्या है, और कॉपर जो है नीचे सेटल डाउन हो जाता बीकर के अंदर, इसका मतलब क्या है कि जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, और सेम अगर मैं ऐसे लूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने कॉपर लिया है अब की बारी और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, तो इसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है कि कॉपर कम रिएक्टिव है कंपैरेटिवली जिंक से, क्योंकि वो उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसके अंदर जिंक क्या है ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ, सिल्वर नाइट्रेट के कॉपर के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ, तो कॉपर की जब मैंने रिएक्शन करवाई सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ, तो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन बन जाएगा और साथ में बनेगा सिल्वर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। ठीक, और या फिर इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं कि अब की बारी मैंने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ना लेके मैंने ले लिया है इसको कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक है, उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम कॉपर नाइट्रेट का इसके साथ सिल्वर के साथ, तो वो डिस्प्लेस, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि ये ज़्यादा
ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, ठीक है। ओके, उसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। हम रिएक्शन करवा रहे हैं आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। हमने रिएक्शन करवाई आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ, तो आयरन वायर या फिर आयरन फिलिंग जब पुट करते हैं हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, बीकर के अंदर, तो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का ग्रीन कलर के अंदर चेंज होने लग जाता है, रेडिश ब्लू के अंदर चेंज होने लग जाता है। मतलब रेडिश ब्लू जो प्रेसिपिटेट्स बन रहे थे, पार्टिकल्स बन रहे थे, वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं वहाँ पे। और वो क्यों होता है? क्योंकि ये रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना लेता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर बना लेता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका मतलब क्या है कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। और कोई भी रिएक्शन नहीं होगी अगर कॉपर वायर को डिप करेंगे हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो कुछ जैसे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको दिखाई थी यहाँ पे, ये है रिएक्टिविटी सीरीज़। तो इस सीरीज़ को आप देखोगे कि इसके अंदर हमने हाइड्रोजन भी लिया है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन मेटालिक नहीं है फिर भी उसको सीरीज़ के अंदर इंक्लूड किया गया है। क्यों इंक्लूड किया गया है? क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, मेटल के जैसे एच पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, मेटल भी क्या करते हैं पॉजिटिव आयन बना लेते हैं ना, उसी तरीके से। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने सबसे ऊपर लिया है पोटेशियम को, के का मतलब होता है पोटेशियम को, ठीक है, टॉप ऑफ द सीरीज़ के अंदर लिया है, और लास्ट में हमने लिया है गोल्ड, और गोल्ड के नीचे हम प्लैटिनम भी रख सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड और प्लैटिनम बिल्कुल बॉटम के अंदर रखे हैं, क्योंकि गोल्ड और प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, इसलिए वो नेचर के अंदर फ्रीली स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। फर्दर जो मेटल्स हाइड्रोजन के बिलो हैं, ये सारे मेटल्स हाइड्रोजन के बिलो है एक्टिविटी सीरीज़ के, जो अबो हैं हाइड्रोजन के ऊपर, वो सारे मोर रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। और वो हाइड्रोजन को ईजिली डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके कंपाउंड से, जैसे कि H2O है या फिर HCl है, ठीक है, इसमें से ईजिली डिस्प्लेस कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो बिलो डाउनवर्ड हैं उसके हाइड्रोजन के, वो लीस्ट रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है, वो इतना जल्दी डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को उसके वाटर और वाटर के साथ या फिर उसके एसिड के साथ, वो इतना जल्दी डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि कुछ मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो मेटल क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं जो लूज़ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जितना जल्दी ये पॉजिटिव आयन बनाएगा, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा ये, ठीक है। और कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपैरेटिवली हाइड्रोजन, और कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं कंपैरेटिव टू हाइड्रोजन, तो ऐसा क्यों होता है? तो वो मेटल जो लूज़ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से पहले, ठीक है, हाइड्रोजन से ईजली क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, और वो ईजिली डिस्प्लेस कर पाएंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। और मेटल जो कि लूज़ कर देते हैं लेस रेडली देन हाइड्रोजन, तो वो लेस रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से, डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं वो हाइड्रोजन को, ठीक है। तो आज हमने एक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा है, और कल जो है मैं क्वेश्चन पुट करना आपसे भूल गई थी, और आंसर देना भी मैं भूल गई थी। तो मैंने लास्ट टाइम पूछा था एक्वारिजिया की कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। तो एक्वारिजिया की जो कॉम्पोजिशन है वो मिक्सचर होता है HCl और HNO3 का, ठीक है, और इनका जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। और आज का जो क्वेश्चन है आपको ये बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। सो योर ऑप्शंस आर सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन। तो आप में से इसको बताना है कि कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ
कौन सा रिएक्ट करेगा इसमें से, सॉरी कौन रिएक्ट नहीं करेगा इसमें से, ठीक है। हो सकता है ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया हो, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।